हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दांत दर्द के लिए कुछ आयुर्वेदिक टिप्स दूंगा, जिससे आप दांत दर्द होने पर उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अमरूद के पत्तों के काढ़े से कुल्ले करने से भी जो दांत दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, अदरक का टुकड़ा कुचलकर दर्द वाले स्थान में दबा लें और रस को धीरे धीरे चूसते रहें तो दर्द में आराम मिलेगा। ये बहुत ही आसान है और सभी के घर पर आसानी से अदरक मिल जाता है, तो आप यदि दांत दर्द होता है तो आप इस प्रयोग को अपनाएं। इसके बाद दोस्तों, हींग का मूंग जितना दाना दर्द वाले दांत में दबा कर रख लें। दांत दर्द में आपको तुरंत ही लाभ होगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत आपको इससे फायदा होगा। दोस्तों, सेंधा नमक को मैदा जैसा एकदम बारीक पीस कर रख लीजिए। फिर हथेली पर सेंधा नमक लेकर उस पर 4-5 बूंदें सरसों की डालकर अंगुली से आप इसको रगड़ कर पेस्ट जैसा बना लें। फिर इसे दंतमंजन की तरह मसूड़ों पर धीरे धीरे मलने से, यदि आप इसका मलते हो तो इससे आपके जो मसूड़े हैं वो मजबूत होते हैं और जो दांत दर्द है वो भी चला जाता है। दोस्तों, इससे पायरिया की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाती है। इससे दांत दर्द की हर रोज की शिकायत हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसके साथ चाहे तो आप सेंधा नमक के साथ थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हो। ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है दोस्तों, जो अभी मैंने आपको बताया है। यदि आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हो तो हमेशा के लिए जो आपकी दांत दर्द की समस्या है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा प्रयोग है, उसमें आप बाइडिंग 10 ग्राम, सफ़ेद फिटकरी 10 ग्राम, आप इन दोनों को 3 किलो पानी में उबालें। जब ये 1 लीटर पानी शेष रह जाए तो इसे छानकर बोतल में भर लीजिए। दिन में 2 से 3 बार इससे आप कुल्ले करिए, इससे दांत दर्द में आराम मिलेगा और जो दांत हैं वो मजबूत होंगे। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।